ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन, और देखते हैं कि वर्गों के लिए यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। विक्ट्री, सक्सेस, ओके, तो आपके तरफ भगवान की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ते। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सक्सेस, कोई कंप्लीशन, ऐसा लगता है कि कुछ यू नो कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप उस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई आपका टारगेट जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है जो आपने मन में सोचा है वो चीज़ आप अचीव कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी हमें वर्गो के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है। ओके, कुछ के लिए हो सकता है एक नई शुरुआत का वक्त है, यस, कि कोई नई शुरुआत हो रही है। जी हाँ, चलिए। ओके, सनरेस, डू इट फॉर यू, आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपने अपने कुछ प्लान्स बनाए हैं। नंबर फाइव, ये एक चेंज, यू नो आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, शुरुआत है कोई, तो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। 13 हो सकता है ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो। और सनरेस, डू इट फॉर यू, खुद के लिए कुछ करना, स्टेप फॉरवर्ड करना। कई बार क्या होता है कि हमेशा दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि खुद की खुशी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, और वो चीज़ पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। वाह, सो चलिए, ये आप लोगों के लिए एक एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। अब आगे देखते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं। सो वर्गो, सो आई थिंक ऑन ऑफ मुझे लगता है आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां आप यू नो लाइक जैसे होता है ना कि आप एक दायरे में बंधे होते हो, आप ना कहीं पहुंच पा रहे हो, ना इसमें से निकल पा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप यू नो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने फाइनेंसेस, जॉब, करियर, ओके, बट देर इज़ एन एनर्जी, मुझे लगता है या तो आप किसी के साथ एक फैमिली सोचते हैं, यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली, या फैमिली चाहते हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, अ फैमिली मेम्बर या आपके पार्टनर ऑफकोर्स, जिनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है, मैन्यूपुलेटिव है, हो सकता है आप इनको मिस करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपके सोल मेट हैं, सो यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली, आप चाहते हैं इनके साथ फैमिली, बच्चे, सब कुछ ऐसा सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा यू नो क्लोज्ड ऑफ, क्लोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, अपने आप को बंद रखना, ओपन अप नहीं होते हैं, रीच आउट नहीं करते हैं, या ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, दे आर लाइक, या हो सकता है आपको छोड़ के चले गए हैं, या किसी चीज़ से भाग रहे हैं, समबडी हैविंग ऑप्शंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, ओके, और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आउटकम ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक यू नो कनेक्टिंग विथ समबडी, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, पॉसिबल ऑप्शंस अपने अराउंड। अब ये डिपेंड करता है, जो सिंगल है उनके लिए ये ठीक है कि ये दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं, अपने लिए कोई फैसला ले रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक कनेक्टिंग विथ समबडी, हो सकता है कोई डिस्टेंस पे हो, आपकी किसी से बात हो रही है, कनेक्टिविटी, यू नो आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई यू नो कनेक्शन, देयर इज़ अ कनेक्शन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कोई दूरी पे है, हो सकता है आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहा है। चिल्ड्रन, आपके बच्चे हों या इनके हों, उनकी वजह से कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहा था, बट नाउ आई थिंक कोई रीच आउट करना चाह रहा है, और आप, हो सकता है आप रेडी हैं, आप माफ़ करने के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट,
जैसे ही आप पास्ट की चीज़ों को या यू नो जो भी हुआ उनको हील करते हैं, तो आप एक्सपीरियंस करते हैं लाइक एक फ्रेश स्टार्ट. तो ये चीज़ हो सकती है. तो वो कब से होता है? एक्सेप्टिंग, जब आप एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को और लेट गो करते हैं ये, बिकॉज आपको ऐसा महसूस होता है देयर इज़ अ केमिस्ट्री. ओके, यू डिज़र्व लव और केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में. तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, एक्सप्रेस योर लव का विकार आ रहा है. तो डेफिनेटली कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रीकनेक्टिंग विद समबडी जिनके साथ आपने सपने सोचे थे. किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं या सम सॉर्ट ऑफ रीकनेक्शन. मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई री लाइक कोई हार्ट टू हार्ट लाइक किसी के साथ कोई आपकी बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है. चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं. ओके, ये जो भी पर्सन हैं क्या है इनके इमोशंस, इनर फीलिंग्स जिनके साथ भी आप हैं, बिकॉज मैनिपुलेट तो किया है. ओके, बट 777, आई जस्ट सॉ 777, ओ माई गॉड, ये कन्फर्मेशन हो सकती है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स कनेक्शन हो सकता है. 777, वाओ. ओके, सो ये जो पर्सन है इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपको बता नहीं पा रहे हैं? आई लव योर वॉइस, तो आपको सुनते हैं ये. आई विल वेट फॉर यू, ये आपका वेट करना चाह रहे हैं. आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स, सो डेफिनेटली इन्होंने आपको धोखा दिया है. हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ओ माई गॉड, गर्मी हो गई है ना. तो ये जो पर्सन की इंटेंस फीलिंग है, हो सकता है ये पर्सन ओवर नाइट आपके बारे में सोचते रहते हैं. और ये जो पर्सन है ये आपकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद करते हैं इनको. जी हाँ, आपकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है. दूर से शायद हो सकता है आपको देखते हो, आपको वॉच करते हो. ठीक है, आपके ये आपको कहना चाहते हैं कि आपका इंतज़ार करेंगे. हाँ, तेरा इंतजार है कहाँ करार है. गाना बड़ा प्यारा. ओके, सो आई मेड मिस्टेक, इन्होंने डेफिनेटली आपको धोखा दिया, आपको चीट किया. जब आप लोगों की बात होती थी दोनों, ये किसी और से बात कर रहे थे, तो इनको ये एहसास है. तो भाई ये इनकी फीलिंग्स हैं, बट अभी फ़िलहाल मुझे लगता है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. बट इन द फ्यूचर विल दे मेक, डेफिनेटली वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना. आई थिंक कोई है जो जिसको ये एहसास है कि उन्होंने गलती की है और वो इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं. ओके, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ वर्गो. सो करियर वाइज, ओ माय गॉड, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं. ओके, स्लो चल रही थी, बट नाउ आई थिंक यू आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं. आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं. यस, आपका कोई गोल है, यू वांट टू अचीव समथिंग, और माइंड में कुछ है, और डेफिनेटली वो आप अचीव करके रहेंगे बिकॉज वो एक फीलिंग आ चुकी है. तो आज नहीं तो कल तैयार रहिए, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है. तो चीज़ें जो स्टेगनेंट थी वो ज़्यादा टाइम तक स्टेगनेंट रहने नहीं वाली हैं. ठीक है, तो अपनी खुशी के लिए जो आपको ठीक लगता है, डू इट फॉर यू. एंजल्स कह रहे हैं कि करिए जो आपको ठीक लगता है, बिकॉज अगर आप इस सिचुएशन में हैप्पी नहीं हैं तो आपका पूरा हक बनता है कि आप आगे बढ़ें और न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी. कुछ के लिए हो सकता है विद इन 10 days, 1 month, उससे पहले ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. ओके, पर क्या करना है आपको? पॉजिटिव रहना है. ये नहीं कि आप मायूस हो जाएं, आप निराश हो जाएं. अगेन मुझे लगता है मैंने 555 देखा है अभी. ठीक है, 555 भी आपका कन्फर्मेशन हो सकता है कि समथिंग इवन गुड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. बाबा का भी मैसेज देख लेते हैं, यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं. तो अगर आप यूनिक हैं तो आपकी जो जर्नी है वो भी यूनिक है. तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए लोगों से. ठीक है, यू आर सेम एज मी. ओ वाओ, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह हो बिल्कुल. वो कैसे? आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स. ठीक है, कि जिनके जेब में कोई पैसा नहीं है और हंग्री स्टमक. ठीक है, कहते हैं ना जो भी ऐसी सिचुएशन के थ्रू निकल रहे होते हैं, या किसी प्रकार की मन में कहते हैं ना कोई किसी चीज़ को पाने की भूख होती है कि नहीं ये अचीव करना है, ये ऐसे करना है, वो. एंड ब्रोकन हार्ट की, कहीं दिल टूटा है, कहीं कुछ है, चिंता मत करिए, बाबा आपके साथ हैं. ठीक है, तो बाबा आपको देख रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है.
तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको हील करेंगे. वेन एवर यू फील, तो आप ये सुनिए और इसको समझिए, ओके, कि यस डिवाइन इज़ विद यू. फेस द पेन, फेस द पेन. हो सकता है आप पेन फेस कर रहे हैं, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट बाबा यहाँ कह रहे हैं कि इसको जो पेन को फेस कीजिए, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, और इसी से आगे बढ़कर आपका रास्ता निकलेगा. क्यों पेन कब आती है? जब आप रेजिस्ट करते हो, जब आप अवॉइड करते हो, जब आप ब्लॉकेजेस कब आते हैं? जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो, आपको लगता है जैसे चोट लगी है ना, आप बजाय उसको ठीक करने के आप उसको कवर करते हो. कई बार क्या होता है, यू हैव टू यू नो हील द पेन. आपको हील करना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ता है. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.